असल के माई वान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक बी और ब्लॉक बी का पोजिशन एक्सपेक्टेड विद इन अ मंथ और सो एक्जैक्टिव ब्लॉक बी का पोजेशन मिल जाएगा लोगों को तो जिन जिन लोगों के एग्जैक्टिव ब्लॉक में प्लाट्स हैं तो एग्जेक्टिव ब्लॉक बी में स्पेसिफिकली वो अपने प्लाट्स चली कर सकते हैं उस वक्त उनके प्लाट का स्टेटस क्या है इस वक्त अपने स्क्रीन पर एक्जैक्टिव ब्लॉक बी की फोटेज देख सकते हैं और ये मोस्ट रिसेंट अपडेट uh, वीडियो है इसकी ब्लॉक बी की ब्लॉक बी में इस वक्त जो दो बड़ी बातें हैं जो चेंजेस हैं लास्ट वीडियो से जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कुछ स्ट्रीट्स की कारपेटिंग हो गई है इसके अलावा मेन जो एंट्रेंस रोड या एक्सेस रोड वन है जो बेसिकली एक्जैक्टिव ब्लॉक को कनेक्ट करेगा विद द मेन चक्री रोड और जो मेन 300 फीट की वाइड मेन बुलेवेड बनेगी जिसकी आपको पहले मैं वीडियो काफ़ी बता चुका हूँ कि जो एंट्रेंस होगी वो एक्जैक्टि ब्लॉक को कनेक्ट करेगी तो एक्जैक्टिव ब्लॉक को कनेक्शन जो ब्रिज है जिस तरह का एक ब्रिज ओवरसीज़ वन में बना हुआ है उसी तरह का सेम ब्रिज ओवरसीज और सॉरी एक्जेक्टिव ब्लॉक में भी बन रहा है और एग्जैक्टिव ब्लॉक में जो ब्रिज की एग्जैक्ट लोकेशन है वो अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं इस वक्त ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है और एक्सपेक्टेडली मोस्ट प्रोब्बली अगले फोर से सिक्स मंथ्स में इस ब्रिज का काम मुकम्मल हो जाएगा जिस तरह पिछला ब्रिज था जिसका एरिया काफ़ी ज़्यादा था 450 रनिंग फीट उस ब्रिज को जिस तरह जल्दी कंप्लीट कर लिया गया इस ब्रिज को भी इस तरह जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा और फिर एक्जेक्टिव ब्लॉक तक डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल होगी यानी जो भी विजिटर कैपिटल स्मार्ट सिटी विजिट करते हैं वो एग्जैक्टिव ब्लॉक जा सकेंगे देख सकेंगे अपने प्लाट का स्टेटस और जिन इंडिविजुअल्स ने एग्जैक्टिव ब्लॉक में प्लॉट बाई किया है उनके लिए स्पेसिफिकली ब्लॉक बी के जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि एग्जैक्टिव ब्लॉक बी का जब पोजिशन आएगा और एंट्रेंस रोड बन जाएगा तो उनके प्लाट्स में एक ख़ातर इजाफा होगा इस वक्त जब करंट बुकिंग प्राइस एग्जैक्टिव ब्लॉक में वो ट्वेंटी फोर लैख फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ की है लट से किसी इंडिविजुअल में प्लाट या 17 लाख, 18 लाख 19.5 लाख का बाय किया है तो जब इन प्लॉट्स का पोजेसन आएगा तो इनके ओन में या प्रॉफिट में एक खातर का इजाफा होगा जब प्रॉफिट में या ओन में इजाफा होगा तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है फॉर एक्जाम्पल आपका सत्रह लाख का प्लाट है आपने दस लाख जमा करवाया और आपके प्लाट पर लट से जी चार लाख या पाँच लाख ओन चला जाता है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट का फिफ्टी परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है बहुत बड़ा नंबर है ये लेकिन एक्जैक्टि ब्लॉक का बाकियों की नस्बत ओवरसीज़ वन की नस्बत काम स्लो है उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो एग्जैक्टिव ब्लॉक की लैंड है एग्जैक्टिव ब्लॉक की जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड लैंड है और काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेन है एग्जैक्टिव ब्लॉक की तो इसको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है कंपेरिजन टू तो ओवरसीज़ वन ओवरसीज़ वन में कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनकी लैंड काफ़ी ज़्यादा हाइटेड थी बाकी मोस्टली लैंड लेवल थी कुछ दिन पहले मैंने एक एच ब्लॉक की वीडियो बनाई थी एच ब्लॉक की वीडियो तो पूरा एरिया जो एच ब्लॉक है वो टोटली लेवल है तो उसको कुछ उसमें फिलिंग नहीं करनी कुछ कटिंग नहीं करनी बस बेसिक अर्थवर्क है अर्थवर्क बस स्ट्रीट्स बननी है तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएगा इस वक्त आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक में जो स्ट्रीट वन है बेसिकली लेन वन है बेसिकली कमर्शल के आगे एक जगह पे काफ़ी बड़ी डिप्रेशन नज़र आ रही होगी उस दिन मुझे किसी इंडिविजुअल ने मैसेज भी किया था कि ये जो डिप्रेशन होगी यहाँ पे फिलिंग होगी और यहाँ प्लॉट बनेंगे तो मैप पे अगर आप देखें एक्जेक्टिव ब्लॉक बी के तो जो कमर्शल के सामने ग्रीन वाला पार्ट नज़र आता है ये बेसिकली वो वाला एरिया है तो यहाँ पर अब आई डोंट नो सोसाइटी क्या क्रिएट करती है लेकिन फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है तो फिलिंग वाली बात अगर यहाँ पे हो भी तो इट डजेंट मेक एन सेंस क्योंकि सोसाइटी ने ये प्लॉट अभी तक किसी को दिया ही नहीं है एग्जैक्टिव ब्लॉक में जो दूसरी बड़ी अपडेट है यह कि एक्जैक्टिव ब्लॉक बी में ओवरहेड वाटर टैंक बनना शुरू हो गया है और ओवरहेड वाटर टैंक जब जाहिर सी बात है कि आने वाले दो महीने में तीन महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो एक्जैक्टिव ब्लॉक की जो भी मेंबर्स यहाँ पे घर बनाएंगे यानी कि आज आपको प्लॉट का कब्जा मिलता है और आपको अगले छः से आठ महीने सिर्फ घर बनाने में लगेंगे तो तब तक आपके प्लाट आपके घर में जो ऑफिशली सोसाइटी की तरफ से वाटर सप्लाई होगी वो बिल्कुल मुकम्मल होगी इस वक्त एक्जेक्टिव ब्लॉक स्ट्रीट नंबर सेवन स्ट्रीट एट स्ट्रीट नाइन स्ट्रीट टेन जिस पर विलास बन रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड पर जो सी ब्लॉक है उसकी लैंड भी आप कुछ देखते हैं हाफ ब्लॉक इसमें बेसिकली इस फ्रेम में तीन ब्लॉक्स नज़र

उस वाले थोड़े से पार्ट पे काम स्टार्ट हुआ है बाकी सी ब्लॉक में अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ एग्जेक्टिव ब्लॉक बी में इस वक्त विलास पे काम हो रहा है जिनमें मैं को मैंने मैंशन कर दिए हैं स्ट्रीट नंबर सेवन स्ट्रीट नंबर एट स्ट्रीट नंबर नाइन स्ट्रीट नंबर टेन इन पे विलास बन रहे हैं जिसमें जॉर्जियन स्टाइल फाइव फाइमरला विलास जिसकी प्राइस बनती है फोर बेडरूम नाइन्टी सेवन लाख रुपीज़ और थ्री बेडरूम नाइनटी फोर लाख एटी थाउजेंड रुपीज़ इसके अलावा कंटम्प्रेरी स्टाइल विलास जिसकी प्राइस जो थ्री बेडरूम में ऑप्शन अवेलेबल है उसकी प्राइस बनती है नाइन्टी फोर लाख एटी थाउजेंड रुपीज़ और इसके अलावा जो तीसरा स्टाइल है विलास का वो है मेडिटेरियन स्टाइल विलाज तो मेडिटेरियन स्टाइल विलाज में जो आपकी कॉस्ट बनती है वो बनती है नाइन्टी सेवन लैख रुपीज़ फॉर फोर बेडरूम और नाइन्टी फोर पॉइंट एट जीरो फॉर थ्री बेडरूम विला इनकी बुकिंग का तरीकाकार है कि आपने सिर्फ टेन परसेंट से बुकिंग करानी है और बाकी आपका तीन साल का पेमेंट प्लान है विलाज में प्लॉट की नस्बता जो लोग विलाज में इंटरेस्टेड हैं उनमें उनके लिए ज़्यादा ईज़ ऑफ एक्सेस है क्यों अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपने प्लॉट लेना है तो अल्टीमेटली कल को आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है वो गुजरना पड़ेगा क्योंकि डेली बेस पर हैंडलिंग ठेकेदार इस तरह के बाकी सारी चीज़ों से अब वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो आप इजीली आप विला बाय कर सकते हैं और विला की सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आप विला को ऑनलाइन खुद रेगुलर जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं और बहुत सारे दूसरे साथी भी बनाते हैं वीडियोस स्मार्ट सिटी की तो आप रेगुलर अपडेट ले सकते हैं कि इस वक्त जो आपने विला खरीदा है पाँच मरला का दस मरला का कनाल का दो कनाल का जो भी विला आपने खरीदा है उस वक्त उस इस वक्त उसका स्टेटस क्या है तो एग्जैक्टिव ब्लॉक में प्लाट हो ना हो बिलास जाहिर सी बात है कि अगले छः से आठ महीने में जो पाँच मरला की थ्री या फोर स्ट्रीट्स विलाज बन रहे हैं इनका पोजेशन मिल जाएगा मतलब ये रेडी हो जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और विद इन ईयर सो इनका पोजेशन मिल जाएगा तीन साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और तीन साल के इंस्टॉलमेंट प्लान में है कि आपको साल या डेढ़ साल के अंदर भी पोजेशन मिल जाता है और डेढ़ साल का प्लान अभी आपका रहता है मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में ऐसा कहीं ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपको रेडी टू लिव विला डेढ़ साल के प्लान रिमेनिंग में मिल जाए बहुत बहुत कम ऐसा होता है सो व्यय दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान जी माँ को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़